हेलो फ्रेंड्स, टुडे इज़ ट्यूसडे और मैं अचानक शादी पर, जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने अपने बाल भी धोए हैं और यहाँ पे सब क्या कर रहे हैं, देखो मैं दिखाती हूँ आपको भी। सब सोए हुए हैं तो बस मैं तैयार होने लगी हूँ और 11 बजने वाले हैं और मेरे हस्बैंड वो भी सोए हुए हैं, वो फिर खाना वगैरह खा के ब्रेकफास्ट करके फिर से सो गए, तो अभी उनको उठाऊंगी और जस्ट हम बच्चे उनको मैंने तैयार करके भेज दिया। दीदी गए थे, उनके साथ भेज दिया, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों जाएंगे और बस मैं तैयार होने वाली हूँ। उसके बाद आज शगुन है, आज शादी नहीं है, हमने शगुन पे ही जाना है, बस शादी पे नहीं हम जाएंगे, कल है शादी तो हम नहीं जाएंगे शादी पे, हम सिर्फ शगुन पे ही जाएंगे क्योंकि सिर्फ 2-4 लोगों के साथ ही वो वेडिंग कर रहे हैं, कोरोना की वजह से वो ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग नहीं जाएंगे, है ना। आज हम जाएंगे, आज वहाँ पे, हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जिस दिन शगुन होता है ना उस दिन पाठ होता है हमारे, क्योंकि हम सरदार हैं तो पाठ होता है, तो पाठ का उस दिन क्या कहते हैं, भोग कहते हैं हम, भोग आप लोग पता नहीं मुझे क्या कहते हो, तो उस दिन अरदास होती है और फिर खाना वगैरह जो भी होता है ना, तो फिर मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ। अभी मैं जस्ट तैयार हो जाती हूँ, मैं आपको तैयार होकर दिखाऊँगी कि मैंने क्या पहना हुआ है या जो भी है, ठीक है। तो मैं तैयार हो जाऊँ, उसके बाद फिर हम चलते हैं। ये देखिए मैं तैयार हो गई हूँ और अब हम बस निकल रहे हैं, तो कैसी लग रही हूँ मैं आप बताइएगा ज़रा, कैसी लग रही हूँ मैं कमेंट पे, और चलो ठीक है फिर चलते हैं। और अब हम ना गांव से बाहर निकल चुके हैं, ये गन्ने के खेत हैं सारे और गांव के बाहर निकल, ये देखिए कितना अच्छा मौसम भी लग रहा है और सारा मतलब खेत इतने अच्छे लगते हैं ना मुझे, गांव का माहौल बहुत अच्छा लगता है। और ये जो ऐसे घर बने होते हैं ना खेतों में, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर ऐसे होता है खेतों में लोग घर बना रहे, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और ये रास्ते में हम जा रहे हैं, नहर आ गई। अब जब हम यहाँ पे पहुँचे शगुन के लिए तो शगुन वाले जा चुके थे, एक्चुअली हम बहुत लेट हो गए थे, तो लड़के को शगुन लगा के जा चुके थे, तो फिर जाते ही पहले हम बैठ गए, तो फिर उसके बाद बातें वगैरह करने लगे दीदी से, क्योंकि शगुन तो हो गया था, तो ये तो था माहौल उस घर का जहाँ पे शगुन था। तो हम लोग नीचे बैठ गए और फिर उसके बाद खाना खाने लगे, मैं, मेरी जेठानी दीदी बैठे हुए हैं और उनकी मम्मा भी खड़े थे, तो खाना वगैरह, ये दीदी आ गए जिनके बेटे की शादी है, पर्पल सूट वाले, ये बात कर रहे हैं कुछ, इन्होंने भी अभी लड़की को शगुन लगाने जाना है, तो इसी टॉपिक पे अभी बात हो रही थी मैं, दीदी, और सेंटर में जो बैठे हैं वो दीदी के मम्मा हैं और जो पीछे खड़े हैं उनके बेटे की शादी है दीदी के, तो वो मुझे कह रहे थे बता के जाना, अब ये ना वो मिठाई लिए बगैर ही चले जाओ आप, तो बता के जाना, तो मैंने बोला कि हाँ हाँ मैं बता के जाऊँगी आपको, तो यही बातचीत चल रही थी बस। सेंटर वाले मम्मा हैं दीदी के और मैं उन्हें बोल रही थी कोई बात नहीं मिठाई लेने दो। और ये जो शगुन की टोकरी है ना, इसमें फ्रूट्स वगैरह होते हैं, ये शगुन में लेके आते हैं जो भी शगुन लगाने आता है ना लड़के को। और ये जो है लड़का सी ग्रीन कलर की जिसने टर्बन पहनी है, इसकी शादी है जो बैठ गया अभी। और हम मैरिज से वापस आ गए और यहाँ पे हम आ रहे थे तो रास्ते में हम रुक गए। ये देखिए यहाँ पे कितना अच्छा यहाँ पे गांव है पास में, और गांव के पास कितना अच्छा, रुकिए मैं अब आपको वो भी दिखाती हूँ नहर के पास जाके। हाय जुगराज, जुगराज काम दे, मम्मा मम्मा, बस बस ओके, ओके।
चलो मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, अब घर जाके बस फ्री हो जाएंगे। तो ओके, गुड बाय।